वेलकम बैक इन दिस वीडियो। पारा शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है। क्या है खुशखबरी, क्या है अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के सहायक अध्यापकों पारा टीचर के लिए बड़ी खुशखबरी है। चंपई सोरेन ने उनकी सेवा पुस्तिका तैयार करने का निर्णय लिया है। पारा शिक्षकों के द्वारा भी बार बार ये कहा जाए कि मांग की जा रही थी कि सेवा पुस्तिका तैयार की जाए, तो फाइनली जो है चंपई सोरेन ने उनकी सेवा पुस्तिका तैयार करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना की निदेशक किरण कुमारी पासी ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। यहाँ हम आपको बताते चले कि इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना कि निदेशक किरण कुमारी पासी ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पारा शिक्षकों द्वारा उनकी सेवा पुस्तिका के संधारण की मांग की जा रही है। शिक्षकों की ई सेवा पुस्तिका तैयार कर ई विद्या वाहिनी पर अपलोड की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पारा शिक्षकों द्वारा उनकी सेवा पुस्तिका के संधारण की मांग की जा रही है और शिक्षकों की ई सेवा पुस्तिका तैयार कर ई विद्या वाहिनी पर अपलोड की जाएगी। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने इस निर्णय का स्वागत किया है। मोर्चा के संजय दुबे ने कहा कि शिक्षक काफ़ी दिनों से इसकी जो है मांग कर रहे थे। उन्होंने शहरी क्षेत्र के स्कूलों में भी कार्यरत शिक्षकों के मानदेय में भी 4% बढ़ोतरी की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने इस निर्णय का दिल से स्वागत किया है। मोर्चा के संजय दुबे ने कहा कि शिक्षक जो है काफ़ी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। उन्होंने शहरी क्षेत्र के स्कूलों में भी कार्यरत शिक्षकों के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी की मांग की है। सरकार के निर्णय के अनुसार सभी शिक्षकों को इसकी जानकारी देने और उनकी पूर्ण विवरणी 31 मार्च 2024 तक ई विद्या वाहिनी पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। जी दोस्तों, कहा जाए कि इसकी जानकारी देने और उनकी पूर्ण विवरणी जो है 31 मार्च तक जो है ई विद्या वाहिनी पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। सेवा पुस्तिका तैयार करने के लिए सभी जिलों के सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर को की प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सभी जिलों के कंप्यूटर जो प्रोग्रामर हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा राज्य में कार्यरत हैं। जी हाँ दोस्तों, कहा जाए कि प्रशिक्षित किया जाएगा कंप्यूटर जो प्रोग्रामर है और इसके साथ ही अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और राज्य में लगभग 60,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। तो यह था बिग अपडेट पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी कि जल्द सेवा पुस्तिका तैयार करने का निर्णय लिया गया है और जल्द ही इस पर जो है कहा जाए कि कार्य होना है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहें। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।